नैनीताल हाईकोर्ट में आज उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुनवाई फिर से होगी। आज बीजेपी और कांग्रेस के वकील अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। उत्तराखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त वाले स्टिंग को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज हुई है। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पदयात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और जनता के सामने नाटक कर रहे हैं। बागी विधायक उमेश शर्मा काव ने देहरादून पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। उमेश शर्मा काव ने कहा कि अपने क्षेत्र की उपेक्षा का विरोध हमने किया, हम 9 बागी विधायक एक साथ हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश जोशी ने हरीश रावत पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि जो आरोप उन्होंने तत्कालीन सरकार पर लगाए थे वो सभी सही साबित हो गए हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने पूर्व की हरीश रावत सरकार पर निशाना साधा और हरीश रावत को बाप बेटे की सरकार करार दिया। सिपाही की हत्या का मामला सामने आया है। दून से टिहरी के लंबगांव गई थी एसटीएफ की टीम, जहां वन तस्करों ने सिपाही को गोली मार दी, जिससे सिपाही अनंत यादव शहीद हो गए। उत्तरकाशी के जोटली गांव में वन तस्करों के साथ मुठभेड़ में एसटीएफ के जवान अनंत यादव जो शहीद हुए। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली के सराय के रहने वाले थे। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के चौरंगी खाल में तस्करों के हाथों मारे गए सिपाही अनंत यादव के मामले में पुलिस सतर्क हो गई है। एडिशनल एसपी और एसएसपी एसटीएफ को उत्तरकाशी जिले में ठहरने के निर्देश दे दिए गए। देहरादून के सहसपुर थाना इलाके के सैलाकुई इलाके में एटीएम तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश कामयाब नहीं रहे। बदमाशों ने गार्ड पर इस दौरान हमला भी किया था। विकास नगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में 2 दिन पहले हुई डकैती में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने धर्मवाड़ा थाना क्षेत्र में छिपे 4 डकैतों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। देहरादून में सुधवाला जेल से रिहाई के दौरान कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि जेल के गेट पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। धोखाधड़ी के मामले में शख्स सजा काट रहा था। बीजेपी के जिला संयोजक धन सिंह नेगी ने प्रेस से मुखातिब होते हुए खुलासा किया है कि टीएचडीसी करोड़ों के राजस्व को चोरी करने में लगी है और उस पर प्रशासन भी कोई कदम नहीं उठा रहा। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर के पास बनी पहाड़ियों के जंगल में एक बार फिर से भीषण आग लगी है। कोशिश काफी हो रही है, लेकिन अब तक आग को बुझाया नहीं जा सका है। रुड़की के भगवानपुर की बीडीओ प्रेमवती अरोड़ा के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख और दर्जनों ग्राम प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया है। गुस्साए दर्जनों ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुख मुनेश सैनी ने बीडीओ को खूब खरी खोटी सुनाई और उनका आरोप था कि ब्लॉक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन कर निजी स्कूलों का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कमीशन खोरी करने वाले निजी स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की। चंपावत जिला मुख्यालय में बेरोजगार हुए गेस्ट टीचर्स ने जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले भर से आए गेस्ट टीचर्स ने जल्द अनुबंध का नवीनीकरण न होने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हल्द्वानी में एक ऑटो चालक पर नाबालिग बच्ची के अपहरण की कोशिश के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने सभी टेम्पो चालकों के लिए ड्रेस कोड परमिट अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। चंपावत जिले के सीमांत नीड़ में बोलेरो कार खाई में गिर गई। हादसे में 2.5 साल की एक मासूम की मौत हो गई, 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को आपात सेवा के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकास नगर के चक्राता अंतर्गत दोधा गांव में यूटिलिटी वैन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। श्रीनगर के सुमाणी गांव में बन रहे एनआईटी कॉलेज का कार्य अधर में लटक गया। शिलान्यास के 2 साल बाद भी यहां निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हरे पेड़ के कटान की समस्या यहां पर आड़े आ रही। यूपीसीएल ने वित्तीय साल में वसूली का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल में यूपीसीएल ने 5300 करोड़ रुपए की वसूली की है, जिसके बाद प्रबंधन ने सभी अधिकारी कर्मचारी और यूनियनों का धन्यवाद दिया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर टिहरी में स्वास्थ्य विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी।